हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास वन मैथ्स अरिहंत वर्क बुक का चैप्टर टेन पैटर्नस तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्क बुक नहीं है तो मैंने वर्क बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आपको वन से लेके कर फाइव तक सारे वर्क बुक मिल जाएंगे आप एमज़ोन से ईजीली खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं patterns एक्सटेंड द sequence इन द सेम पैटर्न दैट फॉलोज अब देखिए यहाँ पर जो है ना नीचे आपका पैटर्न दिया गया है तो इसे आपको फॉलो करना है ठीक है इसमें आगे कौन सा पैटर्न होगा तो वो आपको लिखना है यहाँ पर बनाना है जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी है उसके बाद क्या है ये उल्टा पी है फिर पी है फिर उल्टा पी है तो फिर क्या आएगा यहाँ पर कौन सा पैटर्न होगा पी बनेगा ठीक है उसके बाद कौन सा होगा फिर यहाँ पर हम उल्टा पी लिखेंगे इस तरीके से ठीक है फिर क्या होगा फिर यहाँ पर पी लिखेंगे तो इस तरीके से इसे आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है ठीक है उसके बाद सेकंड में है अब देख सकते हैं पहले क्या है यहाँ ट्राइंगल है ट्राइंगल के बाद क्या है स्क्वायर है स्क्वायर के बाद क्या है फिर से स्क्वायर ही है उसके बाद है ट्राइंगल अब ट्राइंगल के बाद क्या आना चाहिए ये स्क्वायर आना चाहिए ठीक है ये वाला एक स्क्वायर देंगे उसके बाद ये दूसरा वाला स्क्वायर होगा उसके बाद फिर से क्या आएगा ट्राइंगल ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए एरो वाला है ठीक है एरो है पहले कौन सा इस तरीके से एरो है फिर इस तरीके से है फिर इधर घुमा हुआ एरो है फिर इधर है इसका किधर है इस तरीके से है फिर क्या होगा फिर ये वाला एरो आएगा इस तरीके से ठीक है इस तरीके से एरो आएगा उसके बाद कौन सा आएगा इस तरीके से ठीक है फिर कौन सा आएगा फिर इस तरीके से तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है ठीक है उसके बाद है ये सिक्स अब सिक्स जो है यहाँ इस तरीके से लिखा है फिर क्या है इसे इस तरीके से उल्टा कर दिया गया है फिर इस तरीके से है फिर इस तरीके से है ठीक है अब किस तरीके से होगा अब हम वापस इस तरीके से लिखेंगे इस तरीके से होगा फिर कैसा होगा फिर इस तरीके से होगा फिर इस तरीके से होगा सीधा इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है उसके बाद वन लिखा हुआ है वन इस तरीके से है फिर उल्टा कर दिया गया है फिर उल्टा करके है फिर सीधा है यानी कि पहले क्या है पहले वन लिखा गया है और उल्टा इसे दो बार लिखा गया है फिर सीधा लिखा गया है एक बार अब ये उल्टा वाला जो है कितने बार होगा दो बार होगा यहाँ पर दो बार लिखा गया है इसीलिए यहाँ एक बार लिखा गया है उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे दो बार ये उल्टा हो गया उसके बाद क्या होगा सीधा होगा ठीक है सीधा लिखेंगे अब सीधा होगा सीधा के बाद क्या होगा दो बार फिर से उल्टा होगा फिर से हम यहाँ पे उल्टा लिखेंगे इस तरीके से ये चलता रहेगा तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न कंप्लीट कर लेना है आप इसका रिवीजन करेंगे अपने कॉपी में ठीक है नोटबुक निकालेंगे और उसमें रिवीजन करेंगे कि किस तरीके से इसे बनाना है तभी आपको समझ में आएगा इसके बाद है कंप्लीट द पैटर्न इस पैटर्न को कंप्लीट करना है अब देखिए यहाँ बटरफ्लाई बना हुआ है तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला बटरफ्लाई में क्या है ये एक दोनों साइड में ये ट्राइंगल बना हुआ है एक एक ट्राएंगल है सेकेंड वाले में क्या है दो दो ट्राइंगल है थर्ड में तीन ट्राइंगल है ठीक है और फोर्थ में क्या है फोर ट्राइंगल है अब ये वाले में कितना ट्राइंगल होना चाहिए फाइव ट्राइंगल होना चाहिए ठीक है तो इसमें देखिए आप इसे अच्छे से घर में अच्छे से बनाएंगे मैं आपको बस इसी तरीके से डॉट दे के समझा दे रही हूँ आपको यहाँ पर अच्छे से फाइव ट्राइंगल बनाना है ठीक है इस तरीके से आप बना लेंगे उसके बाद है यहाँ पे फ़िश है अब फिश में देखिए इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन किया गया है ठीक है ये देखिए इस तरीके से लाइन है ये टेढ़ा लाइन है ठीक है अब इसमें कर्व लाइन है अब ये दो है उसके बाद क्या है यहाँ पर तीन है ठीक है उसके बाद चार है इसमें उसके बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए पाँच होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना लेंगे ठीक है इस तरीके से आप अच्छा से इसे बनाएंगे उसके बाद इसमें देखिए ये वाला पैटर्न जो है ये है कैटरपिलर पिलर है अब इसमें देखिए जैसे इसका दिया गया है पहले यहाँ पर दो है दो जुड़ा हुआ है उसके बाद दो के बाद क्या हो गया यहाँ पे चार जुड़ गया ठीक है दो के बाद तीन नहीं हुआ सीधा चार हो गया चार के बाद कितना हो गया चार के बाद दो और जुड़ गया इसमें यानी कि फोर के बाद क्या हो गया सिक्स हो गया ठीक है अब सिक्स के बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए अब हम यहाँ पर दो जोड़ेंगे और क्योंकि यहाँ पर हर एक में दो दो जुड़ता जा रहा है तो यहाँ पर देखिए सिक्स हो गया अब यहाँ पर हम इसमें कितना जोड़ेंगे जो यहाँ पर एट हो जाएगा देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है अब इसमें इसका लेग भी बना देंगे इस तरह से आप इसे अच्छे से बनाएंगे अपने नोटबुक में ठीक है तो इस तरीके से ये वाला पैटर्न होगा उसके बाद लीफ वाला पैटर्न है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है टू लीफ है टू के बाद कितना हो गया फ़ोर हो गया यानी कि टू बढ़ गया फ़ोर के बाद कितना हुआ सिक्स हो गया सिक्स के बाद कितना हो के बाद कितना होगा एट होगा यानी कि टू टू बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर हम ऐट लीफ बना देंगे ठीक है तो यहाँ जैसे है वन हो गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन एट ठीक है यहाँ पर एट होगा तो इस तरीके से बना लेंगे आप उसके बाद है इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सीक्वेंस अब यहाँ पर इसे आपको सीक्वेंस में कंप्लीट करना है तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला आ, पैटर्न दिया गया है उसके बाद ये वाला पैटर्न है उसके बाद फिर कौन सा पैटर्न होगा फिर वापस ये वाला पैटर्न होगा तो इसे इस तरीके से आप अच्छे से बनाएंगे कि किस तरह से है ठीक है इस तरह से होगा फिर इस तरह से होगा ऐसे होगा, फिर होगा।, फिर होगा? इस, उसके बाद इसके बाद कौन सा होगा ये वाला यह पैटर्न तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए थ्री लिखा हुआ है एक बार है थ्री दो बार है यहाँ पर तीन बार है अब यहाँ पर कितने बार होगा फोर टाइम्स ठीक है फोर टाइम्स यहाँ पर होगा थ्री लिखेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे फाइव टाइम्स है अब यहाँ पर कितने बार होगा सिक्स बार इस तरह से हम सिक्स बार लिखेंगे थ्री थ्री करके सिक्स बार लिखेंगे यहाँ कितने बार होगा सेवन बार थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ठीक है इसमें साढे में आप थ्री लिख देंगे तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ पर एट हो जाएगा उसके बाद देखिए ये फेस बना हुआ है स्माइली फेस है सैड फेस है अब ये वाला फेस देख सकते हैं इस तरह से है फिर इस तरह से है उसके बाद वापस इस तरह से है अब कौन सा फेस बनेगा इस तरह से बनेगा ठीक है इस तरह से बनेगा फिर कौन सा बनेगा फिर इस तरह से बनेगा ठीक है इस तरह से बनेगा इस तरह से देखिए ऐसे बनाएंगे फिर ऐसा हुआ उसके बाद फिर कौन सा बनेगा फिर वापस ये वाला ये वाला बनेगा ऐसे बनेगा फिर हम इस तरीके से बनाएंगे इस तरह से तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एरो वाला है तो वन एरो है वन के बाद कितना एरो होगा ये एर टू एरो होगा टू के बाद थ्री है फिर फोर है फोर के बाद कितना होगा फाइव होगा ठीक है फाइव एरो होगा उसके बाद सिक्स एरो होगा अच्छे से आप एरो बना लेंगे ठीक है मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ जिस तरीके से बना हुआ है आपको वैसे ही बनाना है फो फाइव के बाद यहाँ पे सिक्स होगा सिक्स के बाद देखिए यहाँ पर सेवन है तो सेवन के बाद कितना आना चाहिए एट ठीक है यहाँ पर एट एरो होगा तो इस तरीके से इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे अब यहाँ पर स्टार है तो यहाँ पे टू स्टार है टू के बाद कितना हो गया फोर हो गया यानी कि टू टू बढ़ता जा रहा है टू के बाद फोर हो गया फोर के बाद सिक्स हो गया सिक्स के बाद कितना आएगा एट स्टार होगा तो यहाँ पे भी मैं डॉट दे के आपको समझा देती हूँ आप अच्छे से स्टार बना लेंगे एट स्टार हो गया ठीक है अब एट के बाद कितना हो जाएगा एट के बाद टू बढ़ता है तो कितना होगा टेन होगा तो टेन स्टार बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन के बाद यहाँ पर देखिए ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व के बाद कितना आएगा फोर्टीन तो 14 बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फोटीन के बाद कितना आएगा सिक्सटीन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन स्टार बनाना है इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे के बाद है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स अब इस पैटर्न को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो मिसिंग नंबर है उसे फिल करना है तो देखिए यहाँ पर टू है टू के बाद फोर है यानी कि टू टू बढ़ता जा रहा है तो मिसिंग नंबर यहाँ क्या होना चाहिए सिक्स होना चाहिए सिक्स के बाद एट है तो एट के बाद कितना होगा टेन अब यहाँ पर टेन है टेन के बाद ट्वेंटी हुआ ट्वेंटी के बाद कितना आएगा टेन टेन बढ़ता जा रहा है तो टेन के बाद कितना ट्वेंटी के बाद कितना आएगा थर्टी टेन ट्वेंटी थर्टी थर्टी के बाद फोर्टी फोर्टी के बाद कितना आएगा फिफ्टी फिफ्टी के बाद सिक्सटी तो इस तरीके से इस पैटर्न को कम्प्लीट करेंगे उसके बाद है फिफ्टीन तो फिफ्टीन में कितना हम ऐड करेंगे जो एटीन होगा थ्री एड हुआ ठीक है आपको थ्री का टेबल आपको कम्प्लीट पढ़ लेना है ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो फिफ्टीन के बाद एटीन होगा एटीन के बाद ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन के बाद कितना होगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी सेवन मिसिंग नंबर ट्वेंटी फोर होगा अब ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू यानी कि ये क्या हो रहा है वन वन घटता जा रहा है ठीक है ट्वेंटी फोर में वन हम माइनस कर देंगे तो ट्वेंटी थ्री होगा ट्वेंटी थ्री में हम वन माइनस करेंगे तो ट्वेंटी टू होगा अब ट्वेंटी टू में हम कितना माइनस करेंगे वन माइनस करेंगे तो ट्वेंटी वन होगा ठीक है ट्वेंटी वन होगा उसके बाद क्या होगा ट्वेंटी होगा और नाइनटीन होगा यानी कि वन वन घटता जा रहा है इसमें उसके बाद है कंप्लीट द पैटर्न अब इस पैटर्न को कंप्लीट करना है तो देख सकते हैं पहले यहाँ पर क्या है एक सर्कल है सर्कल के बाद यहाँ पर एक जो है ना इसमें इस तरह से पैटर्न बनाया गया है उसके बाद यहाँ पर दो पैटर्न हुआ उसके बाद तीन पैटर्न हुआ उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे एक पहले सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर फोर होगा ठीक है थ्री के बाद फोर हो जाएगा उसके बाद कितना होगा फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पैटर्न होगा ये वाला कंप्लीट के बाद है यहाँ पर थ्री बॉक्स इस तरह से दिया गया है ठीक है थ्री के बाद क्या होगा फोर होगा फोर के बाद देख सकते हैं फाइव फाइव के बाद कितना आ जाएगा सिक्स तो हम इस तरीके से सिक्स बना देंगे ठीक है इस तरीके से आप अच्छे से बनाएंगे सिक्स के बाद कितना होगा सेवन सेवन होगा इस तरह से ठीक है सेवन हो गया सेवन के बाद कितना आएगा एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आप इस तरह से अच्छे से ये बनाएंगे उसके बाद ये वाला पैटर्न है देखिए सर्कल किस तरह से सिक्स है सिक्स के बाद कितना आ गया फाइव फाइव के बाद फोर यानी कि वन वन घटता जा रहा है तो फोर के बाद फिर क्या आएगा थ्री तो वन टू थ्री थ्री बनाएंगे थ्री के बाद क्या होगा टू और टू के बाद कितना आएगा वन अब इस तरीके से है ये वाला पैटर्न देखिए इस तरह से है बना हुआ उसके बाद यहाँ पर दो इस तरह से बना है फिर यहाँ पर कितना आ गया तीन हो गया अब इस तरीके से हम इसे बनाएंगे ठीक है इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा वन टू थ्री तो फोर होगा इसके बाद कितना आना चाहिए फोर के बाद कितना आएगा फ़ाइव वन टू थ्री फोर फाइव इसके बाद इस तरीके से बनेगा देखिए इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स होगा तो इसे भी आप बहुत ही अच्छे तरह से बनाएंगे उसके बाद है चूज़ द करेक्ट पैटर्न दैट कम्स नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको एक मतलब करेक्ट पैटर्न आपको चूज करना है जो कि नेक्स्ट आने वाला है तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है स्टार है इस तरह से है फिर स्टार है इस तरह से ये सारा दिया गया है तो आगे कौन सा पैटर्न आएगा नेक्स्ट तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है ये तीनों में कौन सा आएगा जब स्टार के बाद इस तरह से है तो ये वाला होगा ठीक है ये बी नंबर इसमें हम टिक लगा देंगे उसके बाद है इसमें देखिए जैसे सिक्स है उसके बाद ये वाला है उसके बाद ये वाला है फिर सिक्स है फिर ये दो है ठीक है उसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा तो देखिए नेक्स्ट कुछ इस तरह से ही आएगा जैसे सिक्स है सिक्स के बाद यहाँ पे दो दिया गया है आपको इस तरीके से इसे देखना है सिक्स के बाद दो है सिक्स के बाद फिर दो इस तरह से बॉल दिया गया है ठीक है तो ये नेक्स्ट क्या आएगा सिक्स आएगा सिक्स के बाद दो बॉल इस तरह से आएगा तो इसमें हम बी नंबर में टिक लगाएंगे उसके बाद इस तरह से दिया गया है इसमें अब इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पर एक इस तरह से दिया गया है उसके बाद इस तरीके से है फिर यहाँ पर यहाँ लाइनिंग है बीच में और इस तरीके से है तो कौन सा पैटर्न आएगा ये सी नंबर का ठीक है इस तरह से है फिर इस तरीके से है तो इसमें हम सी नंबर में टिक लगाएंगे उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्या है दो है यहाँ पर ये बना हुआ है लीफ और उसके बाद ये ब्लैक कलर का है फिर यहाँ पे लाइट कलर का है फिर ब्लैक कलर का है तो कौन सा आएगा उसके बाद यहाँ पर दो जो है ना लाइट कलर का आएगा फिर ब्लैक कलर का आएगा यानी कि इसमें कौन सा होगा इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा तो सी नंबर आएगा इस तरीके से इसको बनाना है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है काफ़ी समझाने में टाइम लग जाता है ये सब मैथ जो होता है ना ये समझने की चीज़ है आप इसे अच्छे से रिविज़न कीजिए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो